सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए अक्षय तृतीया का दिन काफी शुभ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि ये सत्य की जीत है। रानी अग्रवाल ने इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिली है, उससे तानाशाह मोदी सरकार की हार हुई है। हम लोगों का हौसला बढ़ गया है, अब इस सरकार के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 4 जून को जैसे ही मतगणना होगी, उस मतगणना में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो एक ऐतिहासिक फैसला आया, अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए जो आज राहत मिली, इससे बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और हम सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और इससे देश नहीं जनता काफ़ी खुशी का माहौल है आज पूरे देश में, दिल्ली में, हर जगह, क्योंकि एक प्रकार से कहा जाए तो न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और एक प्रकार से ये तानाशाही को आपको मिलेगा इंडिया गठबंधन के 4 जून को देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन के इस बार सत्य की जीत होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।